समय हो गया है बिहार से जुड़ी हुई खास खबर का, तो नजर डालते हैं इस खास खबर पे जो कि बिहार से जुड़ी हुई है। सरकार की विभिन्न विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की कोताही और लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। योजनाओं के क्रियान्वयन में पूर्णता पारदर्शिता होनी चाहिए, ये बात जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने आज बैठक के दौरान कही है। और वहीं मौजूद है हमारे संवाददाता, चलिए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह के निर्देश जारी किए गए हैं अधिकारियों के लिए और किन किन योजनाओं पर काम होना है कम समय के अंदर। इस समय वहाँ मौजूद हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार तिवारी जी, तो उन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर इस बैठक में क्या खास निर्णय लिए गए हैं। तो धर्मेंद्र जी, आप ही बताइए कि क्या इस बैठक में अहम क्या था। अहम मैडम ये था कि आज यहाँ कुठन्नी प्रखंड स्थित में आज चार प्रखंड के BDO CEO और CDPO की मीटिंग रखी गई थी जी, जिसमें जिलाधिकारी DM आलोक रंजन घोष ने विभिन्न योजनाओं पर बैठक की, जिसमें खास कर से जो मुद्दा रहा वो रहा प्रधानमंत्री आवास योजना जी, उसके बाद में शौचालय पर। तो ये खास कर से लोगों को दिशा निर्देश दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ग्रामीणों के अंतर्गत जो है 3 दिन के अंदर प्रखंड वार निर्धारित लक्ष्य जिलों को दिया गया, जिसका 100% इन लोगों को पालन करना है। अच्छा, तो ये खास कर मुद्दे रहे इसमें। और सभी BDO को फटकार भी लगाई, धीमी गति के कारण जो ये लोग योजनाओं में पारदर्शी नहीं ला रहे हैं, इस कारण सभी BDO को यहाँ फटकार लगाया गया। हाँ, क्योंकि लगातार इस तरह के मामले तो सामने आते हैं कि कार्रवाई ठीक से नहीं हो रही है, जो निर्देश जारी किए गए हैं इसके बावजूद भी अधिकारी लोग कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हुए नजर आते हैं, तो इस बार लग रहा है कि कोई कड़ी कार्रवाई इन अधिकारियों पे होगी जो लगातार निर्देश मानते नहीं है, अनदेखी करते हैं, तो लग रहा है कि इस बार इस बैठक के बाद कुछ खास हो पाएगा। जी मैडम, इस बार DM सर ने स्पष्ट कर दिया है इस मीटिंग में, यदि खास करते जो ग्रामीणों को अगर योजना का अगर सही से लाभ नहीं मिल पा रहा है, जो शौचालय योजना है उसके बाद में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है, तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई सभी पदाधिकारी पर की जाएगी, ऐसा DM सर आलोक रंजन को मुजफ्फरपुर ने कहा है। और इस बैठक में कुछ अहम निर्णय लिए गए हैं तो आप बता सकते हैं उस बारे में भी। खास करते जो है 30 जून तक ऑनलाइन जमाबंदी के आवेदन जितने भी प्राप्त हुए हैं उसे हर हाल में 31 अक्टूबर तक निष्पादित कर देना है। और इस बैठक में DDC उज्जवल कुमार सिंह, अपर सभार्ता राजेश कुमार और DRDA निदेशक ज्योति कुमार, उसके बाद में DCRO कमल सिंह, सभी प्रखंड के BDO CDPO उपस्थित थे। चलिए, इसी तरह से आप वहाँ से जानकारी देते रहिए, अभी के लिए धन्यवाद। आज यहाँ पर द्वितीय चरण में चार अन्य ब्लॉक्स का, टोटल 16 में से 4 ब्लॉक्स का हम लोगों ने पूर्व में साहेबगंज में 4 ब्लॉक्स की समीक्षा की थी। और आज इसी क्रम में आज द्वितीय चरण में हम लोगों ने कुड़नी, मरवन, मुसहरी और कांटी ब्लॉक का आज समीक्षा की। यहाँ पर विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। सर्वप्रथम शौचालय निर्माण को लेकर हम लोगों ने चर्चा की और कुड़नी प्रखंड के सभी स्वच्छाग्रही और विकास मित्र एवं कचहरी सचिव जो इस पूरी प्रक्रिया में सम्मिलित हैं, उनके साथ गहन समीक्षा की गई और पंचायत वार समीक्षा की गई। एक रणनीति हम लोगों ने तय की, उनको कम्युनिकेट किया गया कि किस प्रकार उनको आगामी अगले 10 से 15 दिनों के अंदर जितने भी पेंडिंग हमारे आवेदन हैं भुगतान के लिए, उनकी जांच करके उसका भुगतान कर दिया जाना। साथ ही साथ इसके अतिरिक्त हम लोगों ने जल नल योजना जो इसकी समीक्षा की और चारों प्रखंड के पंचायत सचिव, इंजीनियर्स इसमें उपस्थित रहे और उनके द्वारा जो जो समस्याएं बताई गई मुख्यतः समस्या बिजली के संबद्धता से संबंधित है कि लोगों ने अप्लाई किया है उसके बावजूद उनको वहां पर बिजली की संबद्धता प्राप्त नहीं होने के कारण, मीटर नहीं लगने के कारण, योजना पूर्ण हो जाने के बाद भी कुछ जगहों पर हम लोग उसको जल का जो प्रसार वो प्रारंभ नहीं कर सके प्रवाह, तो उसको ध्यान में रखते हुए इन लोगों को हम लोगों ने निर्देशित किया है कि सभी प्रखंडों में, इन 4 प्रखंडों में ही नहीं, सभी प्रखंडों में फ्राइडे को विद्युत संबंध संबद्धता के लिए कैंप लगाया जाएगा। जितने भी पंचायत सचिव हैं अपने क्षेत्र का आवेदन पत्र भर के और जो भी उसके लिए निर्धारित शुल्क वो जमा करेंगे और 7 दिन के अंदर इसको इंश्योर कराना है कि सब जगह विद्युत की संबद्धता हो जाए, ताकि जो पूर्ण जल नल की योजना है उसको कार्यान्वित किया जा सके। साथ ही साथ पंचायत सचिवों से भी उनकी समस्या के बारे में जाना गया, जो क्षेत्र में समस्या आ रही है, जैसे कि कई बार जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग पूरी तरीके से नहीं मिल पा रहा है और प्रयास किए जाने के बावजूद भी कुछ जनप्रतिनिधि अक्सर क्षेत्र से बाहरी हैं, जिसके कारण आवश्यक जो भी इसके लिए अनुमतियां होती हैं वो प्राप्त नहीं हो पा रही हैं।
तो अधिक समन्वय और इसके लिए बताया गया, वीडियो साहब को भी बताया गया है कि वो लोग अपने प्रमुख और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनके सहयोग इसमें प्राप्त करें और एक समेकित प्रयास होना चाहिए इसको सफल बनाने के लिए। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है सर कि जनरल में सर कितने फीट नीचे सर पाइप लगना चाहिए? जो आपका कहना है कि पाइपलाइन का डेप्थ? जी जी सर, कितना नीचे लगना चाहिए, कितना फीट लगना चाहिए सर? मापदंड के अनुसार 3 फीट जो है उसके आसपास होना चाहिए, उतना गहरा लगना चाहिए ताकि भविष्य में यदि किसी प्रकार का रोड इत्यादि भी आसपास बनता है या तो उसमें क्षतिग्रस्त ना हो, यही प्रयास रहना चाहिए। सर कभी कभी ऐसा भी होता है कि गांव के मुआयना करने पे सर शौचालय के लिए बोला जाता है कि सर 2-2 हज़ार रुपया मांगा जाता है, वार्ड पे सर 2-2 हज़ार रुपया मांगते हैं सर। आप अवगत होंगे आज से 2-3 दिन पहले भी मैंने जिला स्तर पर एक बैठक भी की थी, ये शिकायतें मुझे भी कई माध्यमों से प्राप्त हो रही हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, और लोग शिकायतें भी जो जनता के साथ साक्षात्कार होता है उसमें भी इस तरह की शिकायतें पूर्व में भी रखते रहे हैं। और उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पारदर्शिता के लिए शिविर का आयोजन किया। अभी फिलहाल 5 प्रखंडों में विगत 2 दिनों से इस प्रकार के स्वच्छता संबंधी जो भी शिकायतें हैं, स्वच्छता शौचालय निर्माण संबंधी भुगतान का आवेदन प्राप्ति की जहाँ तक बात, और आधार अपडेशन के लिए आधार के जो दस्तावेज उसको उपलब्ध कराने हेतु जो है 7 दिवसीय शिविर हम लोगों ने 2 दिन पहले 5 ब्लॉक्स में मोतीपुर, कांटी, दुसहरी, मीनापुर, पोछा और 5 ब्लॉक हो गए। सर जो वार्ड है, जो वार्ड परिषद अगर सर पैसा मांगते हैं 2 हज़ार रुपया उनके लिए सर कोई कार्रवाई? प्रमाणिक तौर पे उसके संबंध में अगर साक्ष्य उपलब्ध कराया था तो निश्चित तौर पर हम लोगों ने कुछ लोगों पर पूर्व में भी कार्रवाई की है और FIR इत्यादि दर्ज किया है, चयन मुक्त किया है, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स तक को हटाया है। यहाँ पर सर मनरेगा के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सर मनरेगा के बारे में डीडीसी साहब ज्यादा सर जनवितर प्रणाली में पूर्व में आप बहुत अच्छा कदम उठाए थे सर, बहुत सारे ऐसे जो है जनवितर विक्रेता जो अनियमितता करते थे, आपने लाइसेंस रद्द किया। अभी क्या है कि जो अंतिम पायदान पर बैठे लोग हैं तो यहाँ से किसी दूसरे पर ट्रांसफर हो गया लेकिन सही से उन्हें अनाज नहीं मिल पा रहा, इस संबंध में क्या कहना चाहिए? समय समय पर जो भी इस तरह की शिकायतें प्राप्त होती हैं, पूर्णी में भी मुझे लगता है कि 3 अफसरों पर अभी हाल फिलहाल में ही हम लोगों ने जांच कराई थी, उसमें वरीय उपसमर्था स्तर के लोगों को भेजा था और जहां पे भी ऐसी शिकायत प्राप्त हुई उसमें स्पष्टीकरण पूछने का नियम है, स्पष्टीकरण पूछने के बाद कुछ लोगों का रद्द भी किया गया और कुछ लोगों को इम्प्रूवमेंट करने का भी निर्देश दिया गया।